ठीक है जी, हम लोगों ने जो डिस्कस किया पहले वो ईआरडी को डिस्कस किया था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब हमें पता चल गया कि एक डेटाबेस को जब आपने डेवलप करना है तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस रूल्स का, और बिजनेस रूल्स से आप डिराइव कर लेंगे एंटिटीज कौन कौन सी होंगी और उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स यानी कि उन एंटिटीज से रिलेटेड कौन कौन सा डाटा आप रखेंगे। और तीसरी चीज ये कि उन एंटिटीज के दरम्यान में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा वो क्या होगा। कल वाली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि एंटिटीज के दरम्यान में जो रिलेशनशिप बनेगा वो वन टू वन हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है, और मैनी मैनी टू मैनी हो सकता है। वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि इन रिलेशनशिप्स की टाइप्स को फर्दर एसोसिएशंस के साथ भी देखा जा सकता है कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी जो रिलेशनशिप्स होंगे उसमें ये तमाम कैटेगरीज फॉल भी करेंगी, यानी कि यूनरी वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी हो सकती है। सिमिलरली बाइनरी वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी हो सकती है, और टर्नरी वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ये हम लोगों ने कल वाली क्लास में चीजें डिस्कस की थी और इस पे थोड़ा सा हम लोगों ने एग्जांपल्स वगैरह देखी थी ताकि हमें जो ईआरडी वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट चीज है वो एनहांस्ड ईआरडी है, एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जी। इसमें क्या किया जाता है कि इन डेप्थ चीजों को कैटेगराइज कर लिया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि आपकी एंटिटी कौन कौन सी होंगी, और मजीद इनको इन डेप्थ देख लिया जाता है कि एक एंटिटी वो किसी कैटेगरी में फॉल तो नहीं कर रही या सब कैटेगरीज तो नहीं बना रही। इस बेसिस पे हम लोग ईआरडी बनाते हैं। इसमें जो मेन चीज है वो आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं मैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। EERM एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आल्सो यूजफुल टू रिप्रेजेंट मेनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्लासिफाइड नेचुरली इनटू हायरार्कीज। इसके अंदर हायरार्कीज डेवलप होती हैं। हायरार्की मींस कि आपके पास जो जनरल एंटिटी है उसकी सब टाइप्स या सब कैटेगरीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं, एक क्लास है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू फर्दर सब क्लासेस। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एक एंटिटी है तो उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सब एंटिटीज और चाइल्ड एंटिटीज। फायदा क्या होगा कि जो सब एंटिटीज बनेंगी उनमें फिल्टर्ड डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है हमारे पास एम्प्लॉय की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर भी हो सकता है, वो एक लेबर भी हो सकता है, वो ऑफिस बॉय भी हो सकता है, वो गार्ड भी हो सकता है, वो केयर टेकर भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इन तमाम चीजों को अगर हम लोग एक ही टेबल में इन सब का डाटा रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं छोटे छोटे एंटिटीज या सब एंटिटीज के अंदर तो हमारे लिए आसानी ही हो जाती है। लेट से कि गार्ड से रिलेटेड डाटा गार्ड वाले टेबल में होगा, ऑफिस बॉय से रिलेटेड डाटा ऑफिस बॉय वाले टेबल में होगा, मैनेजर से रिलेटेड डाटा मैनेजर वाले टेबल में होगा। तो चीजों को क्लासिफाई कर लिया जाता है, डाटा की हैंडलिंग आसान हो जाती है हमारे लिए, और उसकी स्टोरेज भी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है जी, समझ आती है एनहांस क्यों करते हैं हम लोग ईआरडी को? इसी बेस पे करते हैं कि जो भी एंटिटीज बन रही हैं अगर उसकी कोई सब टाइप्स या सब कैटेगरीज निकलती हैं तो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं सब कैटेगरीज में, और उसकी हैंडलिंग कैसे हो रही होती है आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग वो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला, उसको रिकॉल। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्या होती है? एनीवन? गलत बता दिया करें लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर किया करें।
जी हमारा आप बताएं, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्लासेस के अंदर। सर नहीं पता। ठीक है, जुनेद अली। नो चलिए मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आई नीड वाइट बोर्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने? यस सर। फाइन। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्लास है। क्लास का नाम है व्हीकल। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का पता है ना? एक चाइल्ड क्लास यस और पेरेंट क्लास। लेट्स से कि हमारे पास एक बड़ी क्लास है, पेरेंट क्लास है, वो व्हीकल है, और उसकी जो डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस बनती हैं, लेट्स से वो कार है और मोटरबाइक है। ओके, ये हमारे पास कुछ एंटिटीज आ गई हैं कि हम लोगों ने व्हीकल और मोटरबाइक अलग अलग कर लिया। एक जनरली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास व्हीकल अवेलेबल है, व्हीकल की क्लास है, और इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं कार और मोटरबाइक। फर्दर अगर हम लोग इनको डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, तो लेट्स से कि हमारे पास कार में फैमिली कार आ जाती है। सिमिलरली कार में हमारे पास स्पोर्ट्स कार आ जाती है। ऐसे ही इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो कार है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू फैमिली कार एंड स्पोर्ट्स कार। इसके साथ साथ मोटर बाइक की हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास मोटर बाइक्स भी फर्दर दो कैटेगरीज में, लेट्स से के कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी एंड सो ऑन। बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास एक हायरार्की डेवलप हो रही है कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जा रहा है सब टाइप्स के अंदर। हमारे पास एक जनरल टाइप है, उसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, और फर्दर जो सब टाइप्स हैं उनको सब सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अगर हम लोग फैमिली कार की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक वर्जन निकल रहा है हमारे पास व्हीकल्स का। ठीक है, ये भी व्हीकल है, ये भी व्हीकल होगी, ये भी व्हीकल होगी, लेकिन आपके पास अगर हम लोग डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो क्या हो रहा है कि टॉप डाउन अप्रोच का हम लोग इस्तेमाल करें, और जितना हम लोग टॉप डाउन जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? स्पेशलाइजेशन कहा जाएगा। कि हम लोग स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाते जा रहे हैं, स्पेशल चीजों की तरफ जाते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं बॉटम अप की, नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच जो होती है वो कौन सी होती है? हम लोग जनरलाइजेशन। ठीक हो गया जी, समझ आती है? टॉप डाउन यस अगर हम सर। लोग चलेंगे तो स्पेशलाइजेशन हो रही है, हम लोग क्लासेस या एंटिटीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्पेशल एंटिटीज या क्लासेस के अंदर। सिमिलरली अगर हम लोग बॉटम अप जाते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो क्या हो रहा है कि हम लोग स्पेशल क्लासेस या स्पेशल एंटिटीज से इनको जनरलाइज करते जा रहे हैं, इनको हम लोग बेसिक चीजों की तरफ लेके आते हैं। ऑल क्लियर जी? यस फाइन, सर। ये हमारे पास है स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हमारे पास डेटाबेस में भी एंटिटीज को जनरलाइज और स्पेशलाइज किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने EERD से रिलेटेड। EERD में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूनियन। ठीक है, नंबर वन यूनियन।
नंबर टू डिसजॉइंट, नंबर थ्री ओवरलैपिंग। इन तीन पॉइंट्स को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि यूनियन क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है और ओवरलैपिंग। ओके, सबसे पहले हम लोग रूल को डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम लोग ईआरडी में यूनियन डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसको कैसे हैंडल करना होगा। सबसे पहले हम लोग यूनियन डिस्कस करते हैं। यूनियन में मैथमेटिक्स में यूनियन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका क्या मतलब था? दो चीजों को मिलाकर लिख देना। एग्जैक्टली, दो चीजों को मिलाकर लिख देना। हमारे पास सेट्स में यूनियन आता था कि सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी के कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर हम लोग ए यूनियन बी करते थे तो क्या होता था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक न्यू सेट के अंदर आ जाते। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी अगर हमारे पास दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एंटिटीज हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये एक एंटिटी है पैंट की, ये एंटिटी है शर्ट। अगर हम लोग इन दोनों एंटिटीज को जोड़ दें तो एक न्यू एंटिटी बन जाएगी जिसको कहा जाएगा इट्स अ सूट। सही है। अब यहां पे इसकी हैंडलिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पे बीच में एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और इसमें रिप्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी कि ये हम लोग यूनियन लिख रहे हैं, यानी यहां पे यू लिख दिया। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि पेंट को इसके साथ जोड़ देंगे, पेंट को इसके साथ जोड़ देंगे और शर्ट को भी इसके साथ जोड़ देंगे। अब एंड पे हमारे पास ये वाली एंटिटी रह गई है तो हम लोग इसको थोड़ा नीचे की तरफ इसको ले आते हैं और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। सो ये हमारे पास यूनियन बन गया कि एक पैंट और एक शर्ट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सूट बन गया। यूनियन की समझ आ गई जी? यस सर। अच्छा, एक यहाँ पे गलती हो सकती है हमारे साथ। हम ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है क्योंकि ईआरडी आपने बनाई भी है, आपको आइडिया है कि आपके बिजनेस रूल्स क्या हैं, आप क्या क्या काम कर रहे हो। लेकिन जो पर्सन जिसको बिजनेस रूल्स का आइडिया नहीं है या उस एनवायरमेंट के सिनेरियो का आइडिया नहीं है, उसके लिए ईआरडी को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि पैंट और शर्ट के कॉम्बिनेशन से सूट बन रहा है, पैंट या सूट के कॉम्बिनेशन से शर्ट बन रही है या सूट और शर्ट के कॉम्बिनेशन से पैंट बन रही है। असल में हम लोगों ने इस बात को ये लिखा है कि पैंट और शर्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो बन रहा है वो सूट बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी आर्क लगा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो चाइल्ड एंटिटी है वो इससे बनी। यहाँ पे हम लोग एक आर्क लगा लेते हैं ऐसे ताकि हमें आइडिया हो, ये एरो नहीं है, ये आर्क है। इसको हम लोग लगा दिए कि पैंट और शर्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सूट बन गया। क्लियर हो गया जी? यूनियन की समझ आ गई? यस सर। फाइन, कोई इशू होगा तो नेक्स्ट पॉइंट्स में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है डिसजॉइंट। यूनियन में यू लिखा था, डिसजॉइंट में क्या लिखेंगे जी? इंटरेक्शन वाला सिंबल आएगा? नहीं नहीं यहाँ पे डिसजॉइंट में हम लोग डी लिख देंगे और ओवरलैपिंग में हम लोग ओ लिखा करेंगे सर्कल के। अच्छा जी, डिसजॉइंट का
लफ्जी मतलब क्या होता है? दो चीजों को तोड़ना, दो चीजों तोड़ना, इसका ये मतलब है जो चीजें टूटी होंगी वो फर्दर उसको आप जोड़ नहीं सकते, या एक जो एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी का हिस्सा नहीं बन सकती। ठीक है, डिसजॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास इस सिनेरियो को, हम लोग पूरे सिनेरियो को रिवर्स कर लेते हैं, वो ऐसे कि ये हमारे पास एंटिटीज नहीं है, ये एक एंटिटी है, इसको हम लोग कहते हैं जी पेशेंट की एंटिटी है। ठीक है, पेशेंट जनाब दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पेशेंट या तो वो इंडोर हो सकता है, ठीक है, या वो पेशेंट आउटडोर हो सकता है, या वो पेशेंट इंडोर होगा या वो आउटडोर होगा। अब इन दोनों के दरमियान में हम लोग डिसजॉइंट लगा लेते हैं जनाब, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, यहाँ पे उन्होंने डी लिख दिया, कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, यूजुअली इसको स्मॉल में रिप्रेजेंट किया जाता है, बेहतर होगा, और हम लोगों ने इसको सब कैटेगरीज के अंदर ऐसे डिवाइड। ओके, यूनियन की तरह जैसे हम लोगों ने देखा था कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि किन दो एंटिटीज को मिला के एक न्यू एंटिटी बनी है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी एंटिटी ब्रेक डाउन हो रही है सब एंटिटीज के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने यूनियन में किया वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक छोटी सी आर्क लगा दिया करेंगे, सॉरी एक आर्क लगा देंगे हम लोग, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इसको समझना कि ये जो आर्क जिन बॉक्सेस पे लगी हुई है, जिन एंटिटीज पे लगी हुई है, वो सब डिवाइडेड हैं या सब एंटिटीज हैं। यहां तक बात समझ आती है जी, पेशेंट या तो इंडोर होगा या वो पेशेंट आउटडोर होगा। तो यहां पे हम लोगों ने डिसजॉइंट का इस्तेमाल किया है कि जो इंडोर पेशेंट होगा उसको एज अ इंडोर पेशेंट ही हम लोग ट्रीट कर रहे होंगे, उसका कोई लेना देना नहीं आउटडोर। अच्छा, डिफरेंस पता है इंडोर और आउटडोर पेशेंट का? जनरली इंडोर पेशेंट वो पेशेंट है जो एडमिट होता है, आउटडोर पेशेंट वो पेशेंट है जो डॉक्टर को चेकअप के लिए विजिट करता है और उसके बाद वो बाहर से बाहर चला जाता है। अब जो बाहर से बाहर जाएगा पेशेंट वो अलग है, अगर उसको एडमिट कर लिया जाएगा तो वो आउटडोर पेशेंट नहीं रहेगा, वो इंडोर पेशेंट होगा। ठीक है, तो इंडोर पेशेंट जो एडमिट हुए हैं वार्ड के अंदर है वो इंडोर पेशेंट्स हैं, आउटडोर पेशेंट्स वो हैं जो बाहर से आ रहे हैं और डॉक्टर से मिलके वापस चले जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन जी? नो सर। फाइन, अगली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं उसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। ओवरलैपिंग कैसे है? ओवरलैपिंग में डी की जगह हम लोग ओ का इस्तेमाल करेंगे ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है और वो एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है। अब यहां पे हम लोग भी का इस्तेमाल करें, इट मींस के एक एम्प्लॉय दोनों एंटिटीज का पार्ट होगा, उसने फुल टाइम काम किया
उसके साथ साथ वो ओवर टाइम करने के लिए वो पार्ट टाइम वाली सैलरी भी ले रहा है, ठीक है। एक एम्प्लॉय दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेम एम्प्लॉय फुल टाइम भी है और वो पार्ट टाइम भी है। इसकी एक और हम लोग आसान एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे सिनेरियो में ओवरलैपिंग कैसे ली जाती है, लेट्स से कि हमारे पास एक टीचर है और वो जो टीचर है या लेक्चरर है उनमें से कुछ विजिटिंग भी होते हैं और कुछ परमानेंट भी होते हैं। अब समटाइम्स क्या किया जाता है, जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको विजिटिंग लेक्चर्स या विजिटिंग क्लासेस भी दे दी जाती हैं। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हम लोग ओवरलैप कर रहे हैं कि ये जो सब कैटेगरीज बन रही हैं या सब एंटिटीज बन रही हैं इन दोनों में मिक्सिंग हो सकती है, डिसजॉइंट में मिक्सिंग नहीं हो सकती। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर नहीं हुआ तो पूछ लें, क्योंकि मैंने अब एक एग्जांपल आप लेनी है और आपने बताना है कि वो डिसजॉइंट होगा या ओवरलैपिंग होगा। सर ये ओवरलैपिंग वाला एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। ओके, ओवरलैपिंग में क्या है कि दोनों चीजें सब एंटिटीज ओवरलैप हो सकती हैं। एक टीचर है, वो परमानेंट काम कर रहा और साथ साथ वो विजिटिंग पे भी काम कर रहा है, तो दोनों जो सब एंटिटीज हैं इन दोनों में जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओवरलैप हो रही हैं, मिक्सिंग हो रही है, दोनों काम हो सकते हैं। टीचर परमानेंट भी है और विजिटिंग भी है। जब भी का लफ्ज आएगा दोनों कैटेगरीज आएंगी या तीनों कैटेगरीज आएंगी, जो भी आपकी सिनेरियो है इस बेस पे आप ओवरलैपिंग का इस्तेमाल करें। अगर आप स्ट्रिक्टली ये कह देते हैं जो टीचर या जो एम्प्लॉय परमानेंट है वो विजिटिंग नहीं हो सकता, तो इस सिनेरियो में हमारे पास डिसजॉइंट आ जाएगा। बात फॉलो करते हैं? हम लोगों ने स्ट्रिक्टली ये बात कर दी कि एक टीचर सिर्फ वो परमानेंट होगा, उसको हम लोग विजिटिंग क्लासेस नहीं देंगे, या एक टीचर वो विजिटिंग होगा उसको हम लोग परमानेंट नहीं करेंगे, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा। अगर इनके दरमियान में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ये काम भी कर लें और ये काम भी कर लें, तो इस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग। क्लियर है जी? ओके, अब यहाँ पे एक और सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं। एक डेवलपर है, ठीक है। डेवलपर को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर है और बैक एंड डेवलपर। अब यहाँ पे डिसजॉइंट आना चाहिए या ओवरलैपिंग आना चाहिए? सर ओवरलैपिंग। ओके, ओवरलैपिंग में क्या होता है, जस्टिफाई करें अपने आंसर को। सर क्योंकि जो डेवलपर होता है वो बैक एंड पे भी काम करता है और फ्रंट एंड पे भी कर सकता है, तो इस वजह से ओवरलैपिंग। ठीक है, और कोई? कोई और आंसर देना चाहेगा? शाहजेब आप बताएं। हामिद अली असद। सर ओवरलैपिंग ही होगा। ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग कैसे होगी? सर एक डेवलपर दोनों काम कर सकता है ना। वो फ्रंट एंड भी हो सकता है और बैक एंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ डिसजॉइंट है तो आप में से कौन कौन एग्री करता है? सर दोनों हो सकते हैं।
यस सर दोनों हो सकते हैं यस डिसजॉइंट भी ओवरलैपिंग भी फाइन बिल्कुल ठीक है क्या होगा कि दोनों हो सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस रूल्स पे कि डिसजॉइंट होगा अगर आप कहते हैं कि आपका डेवलपर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का काम करेगा या एक डेवलपर सिर्फ और सिर्फ बैक एंड का काम करेगा तो इस सिनेरियो में ये ओवरलैपिंग है ये डिसजॉइंट है एग्जैक्टली ये डिसजॉइंट है ठीक है यहाँ पे हम लोग डिसजॉइंट का इस्तेमाल करें अगर हम लोग ये कहते हैं कि वो जो डेवलपर है वो पाकिस्तानी डेवलपर है तो इट मीन्स कि आप ओवरलैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वही जो है वो फ्रंट एंड का भी काम कर रहा है और सेम डेवलपर बैक एंड का काम कर क्लियर है जी यस ओके सिर्फ दो चीजें लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस वर्ड को पहचानते हैं मैंडेटरी इट मींस मस्ट जरूरी ऑप्शनल मींस नॉट रिक्वायर्ड या नॉट मस्ट सो अगर हम लोग डिस्जॉइंट और ओवरलैपिंग की बात करें तो इनको स्ट्रिक्ट या फ्लेक्सिबल किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैंडेटरी एंड ऑप्शनल आपको क्या करना होता है कि डिस्जॉइंट और ओवरलैपिंग के दरमियान में अगर आप स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि ओवरलैपिंग स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएगी एक डेवलपर है उसके लिए जरूरी है कि वो बैक एंड डेवलपमेंट भी करे और फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करे तो आपको क्या काम करना होगा कि आपको इस जगह पे टू लाइंस का इस्तेमाल करना होगा कि टू लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं मैंडेटरी को रिप्रेजेंट अगर आप कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है ओवरलैपिंग कुछ डेवलपर कर भी सकते हैं और कुछ डेवलपर नहीं भी कर सकते तो उसके लिए या हमारे पास ऑप्शनल वे है ये मस्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंगल लाइन का इस्तेमाल समझते हैं जी कंफ्यूजन तो नहीं है ठीक है मैंडेटरी अगर करेंगे इट मींस कि आपने ओवरलैपिंग को मस्ट करवा दिया है और मैंडेटरी में आपको टू लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी यहाँ पर आपने टू लाइंस ड्रॉ की इट मींस दिस इज मैंडेटरी ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग मैंडेटरी जरूरी हो गया है कि जो भी डेवलपर काम करेगा वो फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड का भी काम किया और अगर आप इसको ऑप्शनल कर देते हैं सिंगल लाइन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये ओवरलैपिंग ऑप्शनल हो चुका है इसका ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर डेवलपर को बैक एंड और फ्रंट एंड वाला काम करना होगा एक साथ किया भी जा सकता है नहीं भी कर सकता इसके साथ साथ अगर हम लोग डिसजॉइंट की बात कर लेते हैं तो डिसजॉइंट में भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि डिसजॉइंट में यही था ना कि एक डेवलपर या तो वो फ्रंट एंड का काम कर रहा होगा या वो बैक एंड का काम कर रहा होगा अगर हम लोग ये कहते हैं कि डिसजॉइंट मैंडेटरी होना चाहिए कि मस्ट है हर डिवेलपर के लिए या तो वो बैक एंड से रिलेट करता हो या वो फ्रंट एंड से रिलेट करता हो तो हमें यहाँ पे टू लाइंस का इस्तेमाल सिमिलरली अगर हम लोग इसको ऑप्शनल कह देते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप डिसजॉइंट का इस्तेमाल करें कुछ डेवलपर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बैक एंड का इस्तेमाल कर रहे हो या फ्रंट एंड को यूज कर रहे हो तो ऐसे भी हो सकते हैं कि डेवलपर कोई और काम कर रहा हो वो फ्रंट एंड बैक एंड का नहीं कर रहा दिस इज ऑप्शनल सिनेरियो आप ये काम कर सकते ठीक है जी समझ आ गई ये तमाम चीजें हम लोग ईआरडी में इस्तेमाल करते हैं और ईआरडी को यूज करते वक्त हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए मैंडेटरी और ऑप्शनल कैसे इस्तेमाल करते हैं
हम लोग डबल लाइंस अगर यूज करेंगे तो वो मैंडेटरी होगा, अगर हम लोग सिंगल लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑप्शनल होगा। थोड़ा सा वाइंड अप करता हूं मैं लेक्चर को। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में दो या दो से ज्यादा पेरेंट एंटिटीज को जोड़कर एक न्यू एंटिटी बना दी जाती है, उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में सेट्स का इस्तेमाल करते थे हम लोग, सेट ए के कुछ एलिमेंट है, सेट बी के कुछ और एलिमेंट्स है, इन दोनों के दरमियान में हम लोग यूनियन लेते थे। तो यूनियन की सिचुएशन में न्यू जो सेट बनता था हमारा रिजल्ट, वो क्या होता था, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स। सिमिलरली यूनियन डेटाबेस के अंदर कैसे किया जाता है कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एंटिटीज को ज्वाइन करके एक न्यू एंटिटी बना दी जाती है, उसको यूनियन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने दी कि पैंट एक एंटिटी है और शर्ट दूसरी एंटिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू एंटिटी बनेगी जिसको सूट कहा जाएगा। सिमिलरली लेट्स से कि बॉडी और इंजन, ये दो अलग अलग एंटिटी है, बॉडी की एक एंटिटी है और इंजन की दूसरी एंटिटी है, बॉडी और इंजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कार बन जाएगी या मोटरसाइकिल बन जाएगी एंड सो ऑन। तो ये यूनियन का कॉन्सेप्ट है। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट में क्या है कि आपकी जो सब कैटेगरीज हैं या सब एंटिटीज हैं, इन दोनों के दरमियान में मिक्सिंग अलाउड नहीं होगी, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। जरूरी है कि एक एंटिटी एक सब एंटिटी में जरूर डिवाइड होती हो या उसका पार्ट। हम लोगों ने बात की कि एक पेशेंट के लिए जरूरी है कि या तो वो आउटडोर पेशेंट होगा या वो इनडोर पेशेंट, तो इस सिनेरियो में हम लोगों ने डिसजॉइंट का इस्तेमाल। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में आप सब एंटिटीज को इन दोनों में मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपकी सब एंटिटीज अलाउ करती हैं या आपके बिजनेस रूल अलाउ करते हैं कि एक सब एंटिटी दूसरी सब एंटिटी का हिस्सा हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक डेवलपर वो फ्रंट एंड का भी काम करता है और बैक एंड का भी काम करता है, तो इस सिनेरियो में हमारे पास दोनों की प्रॉपर्टीज को ओवरलैप किया जा रहा है, इसमें हम लोग ओवरलैपिंग का इस्तेमाल। मैंडेटरी तब होगा जब मस्ट हो जाएगा और ऑप्शनल तब होगा जब आपके लिए जरूरी नहीं है मैंडेटरी करवाना। मैंडेटरी को टू लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑप्शनल को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। फाइन, आज तक के लिए इतना ही हमारा काम था। मैं जान के अपनी पेस जो है वो स्लो रख रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो ईआरडी से रिलेटेड आता है। आपको या तो ईआरडी को समझ के उसके रूल्स लिखने होते हैं, कंस्ट्रेंट्स लिखने होते हैं, या रूल्स या सिनेरियो को पढ़ते हुए एक ईआरडी बनानी होती है। तो कोशिश करेंगे हम लोग वन बाय वन इन तमाम चीजों या इन तमाम सिनेरियोज को डिस्कस कर लें। आज का आपके लिए जो काम है वो ये है कि आपने किसी भी सिनेरियो की कोई ईआरडी मुझसे शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? आपकी क्लास का ग्रुप है, किसी भी सिनेरियो की आप गूगल पे ईआरडी लिखें और उस सिनेरियो को थोड़ा सा समझें, ईआरडी को पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। आपने वो जो पिक्चर है ईआरडी की गूगल पे शेयर करनी है, खुद ना बनाए, अभी दूसरों की बनाई हुई ईआरडी को समझने की कोशिश, ठीक है? वन बाय वन आपने ये वाला काम करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं इन चीजों को रिफाइन करने के बाद आपको एक मॉडल पे असाइनमेंट दूंगा। ये क्लियर है जी? यस सर। ठीक है जी, क्लास वाइंड अप करते हैं हम लोग और